स्पेशली लड़कियों को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि लोगों की बातों को दूर रखो और आकर कुछ करके दिखाओ, दैट्स इट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन और मैं हूँ विकास मन्हास। तो अभी मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं जो अग्निवीर और पुलिस में जो है सिलेक्ट हुए और यहाँ पर जो है इसी साल यानी एक साल पहले जो है कैरियर डिफेंस पैरा कमांडो एकेडमी जो है यहाँ पर खुली थी और इसी के चलते ये तमाम बच्चे जो है इसी स्टेडियम में जो है इनसे सीखने भी आते थे, चाहे फिर रेसिंग करना हो या फिर अलग अलग चीज़ें। चलिए इन्हीं से बात करते हैं और आज इनकी इनको जो है इन्होंने हार से नवाजा गया और मिठाई भी खिलाई, साथ में इनसे पूछेंगे किस तरह का इनका सफ़र था। सर अपना नाम बताएं, नई नई शुरुआत आपने की थी पैरा कमांडो एकेडमी और मैं देखता था आप बच्चों को दौड़ाते थे और जो नहीं दौड़ता था तो डंडे भी मारते थे। जी सर, मेरा नाम संदीप कुमार है। तो ये पैरा कमांडो एकेडमी दरअसल मेरा एक फ्रेंड है, वो अभी 9 पैरा में सेलेक्ट है, तो उसकी पोस्टिंग नहीं बता सकता मैं। तो ये हमने साथ मिलकर शुरू की, पिछले साल मार्च में ये स्टार्ट किया था हमने। तो पहले तो हमारे पास 2-3 बच्चे थे, फिर आते आते एसआई के लिए, फिर ये अग्निवीर के लिए बच्चे आने लगे, फिर पुलिस वो बॉर्डर बटालियन की भर्ती थी उसके बच्चे आने लगे। तो जो हमसे हो सका हमने अपनी तरफ से पूरा 100% देने की कोशिश की, बाकी बच्चों की किस्मत पर डिपेंड था और उनकी मेहनत पर डिपेंड था। देखिए नई नई शुरुआत की थी आपने और विश्वास करना काफ़ी मुश्किल होता है बच्चों को कि हम जाएं या नहीं जाएं, ज्वाइन करें या नहीं करें। अब लेकिन कितना मोटिवेशन मिला है, कितने बच्चे आपके अकेडमी में होकर जो है सिलेक्ट हुए अग्निवीर या पुलिस में? सर अभी तो हमारे टोटल बच्चे जो हुए हैं तो 11, उसमें तीन जो है लड़कियाँ हैं जो इसमें अपने बॉर्डर बटालियन में हुई हैं। तो उसके बाद अभी 8 बच्चे जो है हमारे सिलेक्ट हुए वो इसमें अग्निवीर के लिए। हाँ, अग्निवीर के लिए सर। तो आज आपने यहाँ पर दोबारा इसी स्टेडियम में लाया था इनको और यहाँ पर आपने इनको हार वगैरह डाला और साथ में मिठाई भी खिलाई, क्या किस तरह की क्या चीज़ें बता रहे हैं ये बच्चे आपसे? नहीं सर, अभी तो बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि इनके जो सपना था वो अभी पूरा हो गया है। तो अभी आगे इनका बहुत लंबा सफ़र है जो जिससे इनको गुजरना है। अभी इससे ये तो नॉर्मल सी ट्रेनिंग थी एक, जिसको ये पूरा करके अभी यहाँ पर आए हैं। तो अब आप असली ट्रेनिंग तो इनको यहीं पे होगी जहाँ पे इनको बुलाया जाएगा, तो वहाँ पे 6 महीने या 9 महीने जो ट्रेनिंग होगी असली ट्रेनिंग तो वही होगी। हमें तो यही था कि हम जहाँ तक इनको पहुँचा सकते हैं हमने कोशिश की अपनी तरह से। देखिए खुशी भी है आपके चेहरे पे और किस तरह से आप कह भी रहे हैं बच्चे आपसे। सर बहुत खुशी है सर, इनको देख के खुद भी मन करता कि हम भी यहीं ना कहीं फौज में होते तो चलो किस्मत नहीं हमारी, लेकिन चलो आप इनको देख के हमें बहुत खुशी हुई सर। तो आगे भी हमारा यही प्रोसेस रहेगा कि हमारी अकेडमी से बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हों सर। चलिए कुछ वो सुना तो होगा आपने कि कुछ ऐसा करिए कि दुनिया करना चाहे कुछ आपके जैसा। चलिए मेरे साथ बच्चे हैं, क्या कहना चाहेंगे अग्निवीर में सिलेक्ट होने के बाद, कुछ समय के बाद आप ज्वाइनिंग भी जाएंगे और किस तरह से इस एकेडमी से प्रेरणा भी मिली आपको? जी हमें बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली इस एकेडमी से। हमारे जो टीचर थे उन्होंने हमारे ऊपर बहुत मेहनत की थी और हमने भी बहुत मेहनत की, इसलिए हम कहना चाहते हैं कि इस अकेडमी में और भी बच्चे आएँ और यहाँ पे आके पढ़ें। कैसे लगा आपको कि हमें यही ज्वाइन करना है और इसी अकेडमी पे विश्वास करना है, क्योंकि नई नई अकेडमी शुरू हुई थी और काफ़ी विश्वास करना काफ़ी मुश्किल होता था? सर विश्वास तो करना ही था सर, अब हमारा सपना ही था आर्मी में जाने का। तो हमें पता लगा कि हमारा पैरा डिफेंस कमांडो अकेडमी डोडा में शुरू हो रही है तो हमने ज्वाइन कर दिया। तो बहुत अच्छा लग रहा है, आज यहाँ पर जितने भी लड़के हैं सब सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं आर्मी में और बहुत अहम मुद्दा रहा है हमारा एकेडमी डोडा का इसमें। और हमारे अंकुश सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं, इन्होंने हमारे छोटे छोटे डाउट्स क्लियर किए हैं। और हमारे रूफ सर हमारे मैथ्स के टीचर हैं, इनका भी बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। देखिए क्या क्या चीज़ें करवाते थे ये लोग आप? सर हमें सब जितना प्रोसेस है हमारा अग्निवीर का जितना भी सिलेबस है सब करवाते सर, साइंस का था, जीके का था और हमारा सर मैथ्स का था, रीजनिंग का था, सब कंप्लीट करवाया सर। मैं देखता था आपको यहाँ पर दौड़ाने लाया जाता था सुबह और फिर उसके बाद कब आपको पढ़ने के लिए कहा जाता था, कितने घंटे जो है आप यहाँ पर देते थे अपना? सर पहले तो फिजिकल था हमारा, रिटर्न तो बाद में था, रिटर्न टेस्ट फिजिकल के लिए पहले हम आते थे प्रैक्टिस करने, फिजिकल हमारा क्लियर हुआ उसके बाद हमारा जो रिटर्न की टेस्ट का आ गया तो उसके बाद हम रिटर्न की भी तैयारी करने लगे यहाँ पे सर। देखिए इन्होंने अपने एकेडमी की शुरुआत जो है अपने नाम से की है, जिस तरह से इन्होंने कैरियर डिफेंस पैरा कमांडो एकेडमी रखा है और इसमें जो है ये बच्चे जो है सब अग्निवीर और बॉर्डर बटालियन में जो है सिलेक्ट हुए हैं। चलिए एक और है, अपना नाम तो नहीं पूछूंगा, आप मुझे बताएं कि कितने समय पहले आपने ज्वाइन किया था और किस तरह से आपको लगा कि मुझे यही ज्वाइन करना है और यहीं से पढ़ना है?
सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल टू माय मतलब स्टाफ जो है हमारा, अंकुश सर, संदीप सर हो गए, रूफ सर हमारे, इरफान सर हैं और चंद्रकांत सर हैं, मैं इनका बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। और उसके बाद एज अ लोकल आपको भी पता है कि हमारे पास सिर्फ ये एक स्टेडियम है जहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो हम अपनी प्रैक्टिस करने यहाँ पे आते थे, मीन्स रनिंग वगैरह करने, तो हमें अंकुश सर मिले, इन्होंने कहा कि आप एक दो दिन ज्वाइन करके देख लो, आपको अगर अच्छा लगता है तो वेल एंड गुड। तो हमने इनके साथ ज्वाइन किया, इन्होंने हमें मतलब फुल ट्रेनिंग दी, रनिंग की ट्रेनिंग दी एंड शॉर्ट पुट वगैरह जो भी हमें फिजिकल में था वो सारा इन्होंने हमें ट्रेन किया। उसके बाद हमारा फिजिकल हुआ था मई में, तो उसके बाद कुछ ही टाइम बाद 22-26 डेज़ के अंदर अंदर जो है हमारा एग्ज़ाम भी हुआ, और सर ने कहा कि हमारे पास एकेडमी है, अगर आपको अच्छा लगता है आप आ सकते हो। हमने ज्वाइन की, एक हफ्ते की हमें डेमो क्लासेस दी गई, और उन डेमो क्लासेस में हमें ये बताया गया कि हम इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, अगर आपको अच्छा लग रहा है देन वेल एंड गुड, नहीं लग रहा है तो आप छोड़ सकते हो। और फीस भी जो है, फीस भी बहुत कम उस टाइम सर ने रखी थी, और सर ने हमें पढ़ाने के लिए रूम जो है वो भी फैसिलिटी हमें बहुत अच्छी थी उस टाइम, तो सर ने पढ़ाया एंड विद इन 22-26 डेज़ हमारा एग्ज़ाम हुआ था और वो क्लियर हो गया, तो सर को भी बहुत खुशी हुई और पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुई, हमें भी बहुत खुशी हुई। तो मैं बाकी लोगों को, स्पेशली लड़कियों को, मैसेज देना चाहती हूँ कि लोगों की बातों को दूर रखो और आकर कुछ करके दिखाओ, दैट्स इट। चलिए, आके कुछ करके दिखाओ, और इसी स्टेडियम में जो है ये सुबह सुबह चक्कर लगाते थे और उसके बाद जो है क्रिकेट शुरू हो जाता था यहाँ पर, यानी दौड़ने के लिए जो है जगह नहीं मिलती थी, यानी सुबह उठकर अपने सपनों की दुनिया के पीछे जिस तरह से ये भागते थे, कहीं ना कहीं वो इन्होंने वो पूरा भी किया है और जिस चीज़ के लिए इस एकेडमी को ज्वाइन भी किया था। चलिए, इनसे एक और बात पूछना चाहूँगा, कितने बच्चे जो है लास्टली आपके पास पहुँचे थे और आपने अपने पास रखे भी थे? सर फिजिकल तो काफ़ी बच्चे थे सर, फिजिकल क्लियर हुआ, कुछ का नहीं हुआ, उसके बाद रिटर्न की तैयारी करने के लिए 10-15 बच्चे थे सर हमारे पास। उनमें से आपने कहा कि इतने 9-10 बच्चे जो हैं आपके अकेडमी से निकले? जी जी, 9-10 बच्चे जो हैं वो अभी फिजिकल उनका क्लियर था, रिटर्न क्लियर करके अब वो ट्रेनिंग पर जा रहे हैं सर। देखिए, ये वीडियो देखने के बाद तो बहुत सारे बच्चे आपके पास आएंगे और आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे, कहाँ पर आपने ये ऑफिस खोला है, कहाँ से आपसे मिलेंगे? सर यहीं पे हमारा स्टेडियम के बैक साइड यहाँ पर बिल्डिंग है सर, वहाँ पे हमारा इंस्टीट्यूट है सर, आके वहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर हर जगह है सर। अच्छा, वहाँ में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम कहीं भी उनको मिल सकते हैं। तो कोई भी फौज की रिलेटेड हो या इसके अलग भी? अभी तो हम एसआई का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं सर, कुछ दिन के बाद। जी जी सर, फौज का हो, अग्निवीर जो भी है, पुलिस का जो भी हो, एग्ज़ाम की तैयारी भी करवाते हैं और फिजिकल भी करवाते हैं सर, हर चीज़ में। चलिए, तमाम लोग यहाँ पर जिस तरह से इन्होंने अपने स्टाफ का नाम बताया और जिस तरह से इन बच्चों ने भी बताया कि किस तरह से आप अपनी यहाँ पर उतनी ज़्यादा फीस भी नहीं है और किस तरह से 15 बच्चे थे और उसमें से जो है 9-10 बच्चे जो है इनके यहीं से जो है अग्निवीर के लिए सिलेक्ट हुए, क्योंकि यहाँ से बच्चों को जो है जम्मू जाना पड़ता था, अब वो मुश्किल आपकी हल हो चुकी है। अब आप जो है स्टेडियम के बिल्कुल साथ में इनका ऑफिस है जहाँ पर इनके साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपने जो भी आपका ड्रीम है वो पूरा कर सकते हैं अगर आप फौज में जाना चाहते हैं। फिलहाल देखते रहिए जम्मू परिवर्तन, मैं विकास मनास डो। Thank you.